फ्यूल रिफिल हो रहा है जी, ऊपर करके डालें, थोड़ा और डलेगा। फ्यूल रिफिल करवा रहे हैं जी अभी, इसके बाद आपको आगे की स्टोरी बताते हैं फिर। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपका? ठीक है। ये हम अभी ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं यार, पीछे ना एक्चुअली हम आए हैं चक्री साइड से, तो पीछे बड़ी खच सी थी, वहाँ पे जो है ना मज़ा ही नहीं आया। वीडियो स्टार्ट की थी, बनाया था क्लिप, लेकिन मज़ा नहीं आया, वो मैंने काट दी एडिटिंग में। तो ये चक्री साइड से हम जा रहे हैं, यह अब आगे साफ़ ही है, अल्लाह का शुक्र है, रोड इसी तरह खाली खाली। तो अभी ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं हम, कोई आधा पौना घंटा राइड करने के बाद। ये बाइक से जी आज हमारे, ये मेरा खड़ा हुआ है, और ये आज RX3S भी आया हुआ है एक, और RX3 भी आया हुआ है। वो किधर है, अभी पहुंचा नहीं है, पीछे आ रहे हैं शायद। ये सारे बाइक हैं, सती साहब हैं आज साथ, ये आपको नज़र आ रहे होंगे, XL2 XL3 XL। तो आगे मैं इंशाल्लाह यहाँ से प्रॉपर स्टार्ट करता हूँ, तो उसमें बताता हूँ आपको जो है ना इसकी कनाटी की हिस्ट्री भी, बड़ी इसकी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है, बड़ी मज़े की, वो सारी आपको डिटेल देता हूँ। तो बस ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर चलते हैं आगे, इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे। ये जी चक्री से गुजर रहे हैं, चक्री पहुँचे हैं अभी हम, ब्रेकफास्ट के बाद तकरीबन 20 मिनट की राइड की है हमने, चक्री पहुँच गए। अब यहाँ से हमने चक्री बाईपास लेना है और आगे तलागंग वाली साइड पे निकलना है हमने। ये देखें जी, ये ब्रिज मोटरवे का गुजर रहा है, ये जो सामने है ये मोटरवे है सारा। अभी पीछे रश था थोड़ा सा, मैं कैमरा नहीं ऑन कर सका, वहाँ पे नीचे से मोटरवे गुजर क्रॉस हो रही थी। ये मोटरवे है और ये नीचे दरिया है साथ, ये दरिया के अंदर ही काश्तकारी की हुई है लोगों ने, फिर जब पानी आता है तो ये सारी जगह कवर होती है। ये देखें, ये भी चक्री सिटी है ये, और ये दरिया है। अभी यहाँ हम बाईपास से जो है ना हम लेफ्ट हो जाएंगे, और वही अगर हम सीधे जाएं तो फिर हम चक्री सिटी में घुस जाएंगे। तो ये देखें जी, बोर्ड बाईपास का बोर्ड लगा हुआ है। अगर आप गाड़ी पे हैं फिर तो आप मोटरवे से आएंगे, और अगर आप बाइक पे हैं तो कनाटी गार्डन आना चाहते हैं तो ये चक्री तक, पिंडी से चक्री का पता है आप सबको, उसके बाद ये ब्रिज है और ये बाईपास का बोर्ड लगा हुआ है, चक्री सिटी है। सीधा अगर चले जाएंगे तो चक्री सिटी है, इधर हमने टर्न हो जाना है, ये बाईपास है, हम बाहर से ही आउट हो जाएंगे, क्योंकि चक्री में नहीं जाना, हमने क्रॉस करना है। ये देखिए, ये बाईपास है चक्री का, ये जी पुलिस वाला सीन भी हो गया थोड़ा सा इधर, कहते हैं मशकूक बंदे हैं, चेक कराओ। ये रोड है जी पीछे हम जो गुजर के आए हैं सारा सीधा, बड़ा अच्छा रोड है, ये भी मज़े का ट्रैक था। ये पहाड़ हैं लेकिन ये गर्म से पहाड़ हैं ऐसे ना, वेदर अभी चेंज नहीं हुआ, आगे चेंज होगा। ये देखें जी, इस तरह से खुला इलाका है ये, वाइड वाइड बिल्कुल, वो पहाड़ों वाला चक्कर नहीं है, व्यू बंद होने वाला चक्कर नहीं है, बहुत वाइड एरिया है, रोड इसी तरह है साफ सुथरा सारा, और ये सिंगल रोड है लेकिन ट्रैफिक बहुत कम है। अभी आगे हम जा रहे हैं सारे, हमारे बाइक हैं एक दो, बीच में दूसरे लोकल बाइक्स हैं, तो उस वजह से थोड़ा रश ही लग रहा है, वरना ये अगर आप अकेले आ रहे हैं तो खाली रोड है बिल्कुल। ये तलागंग के करीब पहुंच गए हैं हम, तलागंग पहुंचने वाले हैं, पीछे सारा रोड साफ ही था,
ये बीच में कुछ कुछ पैच हैं जो बन रहे हैं अभी, ये भी होपफुली काम लगा हुआ है, जल्दी बन जाएंगे। बस ये तलागंग के करीब है, आगे मेन बाज़ार है तलागंग वाला, उसके बाद भी रोड साफ ही है, लास्ट टाइम तो साफ ही। तलागंग वाला बाईपास लेना है हमने, वो अंदर वाली जो है ना बाज़ार वाली खच से भी हम बच जाएंगे। वेदर थोड़ा सा गर्म है, उस तरह से नहीं है, हमने जैकेट्स पहननी होती हैं, गियर पहना होता है कंप्लीट, तो गर्मी शर्मी ज़रा थोड़ी ज़्यादा ही लगती है हमें। ये तलागंग बाज़ार है जी, तलागंग शहर है, मेन सिटी, और ये ग्राटो जलेबी यहाँ भी आ गई है। तो ये छोटा सा शहर है, यहाँ की पिनट काफ़ी मशहूर है पाकिस्तान में, पिनट बहुत अच्छी होती है, 6-7 तरह की पिनट होती है यहाँ पे, और बड़े मुनासिब रेट पे, मतलब यहीं से पिनट जो है ना पिंडी इस्लामाबाद में जाके डबल ट्रिपल रेट पे सेल होती है। तो यहाँ पे इन्होंने पूरी पूरी भट्टियाँ लगाई हुई हैं पिनट की, आप सीज़न में आएँ, अभी तो नहीं होगा, अभी गर्म है यहाँ पे वेदर, देख रहे होंगे आपकी जैकेट जर्सी किसी ने नहीं पहनी हुई, हम ही हैं बस जैकेट्स वाले। तो विंटर्स में आप आएँ तो यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी भट्टियाँ लगाई हुई हैं इन्होंने, वो ओपन की होती हैं, ढेर लगाया होता है पिनट का बाहर, तो पॉसिबल है अभी भी कोई हो खुली हुई, क्योंकि शायद रात तो ठंडी होगी यहाँ पे। झांड हाँ, ये इधर की पिनट है ना सारी। ये कनहट्टी गार्डन की हम ऑलमोस्ट जो है ना टेरिटरी में आ गए हैं। ये एक साइड पे पहाड़ी है, इस पहाड़ी से आबशारे भी हैं, चश्मे भी हैं, और गार्डन की तीन साइड्स जो हैं वो गार्डन है, जंगल है, दरख्त है, ग्रीनरी है, और एक साइड पहाड़ है जिसमें से चश्मे वगैरह हैं। तो इस पहाड़ के अब हम उस साइड पे जाएंगे, उस साइड पे आगे कनहट्टी गार्डन है, तो ये आपको वहाँ से भी मैं उस साइड से भी जो है ना दिखाऊंगा, और चश्मे हैं, और इधर भी इस रोड पे भी आगे झीलें वगैरह हैं काफ़ी। अब यहाँ पे कदरे बेहतर हो गया, मौसम धूप है लेकिन हवा ठंडी हो गई है। ये देखें जी, कनहट्टी गार्डन, खेबेकी, उछाली लेक, बोर्ड लगे हुए हैं, 18 किलोमीटर है यहाँ से कनहट्टी गार्डन। ये देखें जी लेक सामने, ये अब पता नहीं आपको कैमरा दिखा पा रहा है या नहीं, लेकिन बहुत प्यारा व्यू है, बहुत प्यारी लेक जो है ना नज़र आ रही है दूर से फुल। ये जी कनहट्टी गार्डन वाले पैच पे आ गए हम, कट है एक छोटा सा, वो कट लिया, उसके बाद हम इस रोड पे आ गए। तो इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है, इसका ब्रिटिश इंजीनियर मेजर थे वेटबर्न, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट के तौर पे बनाया था, उनको फील हुआ था लाइक कि ये जगह इस तरह की है कि जहाँ पे हम कुछ ख़ास किस्म के फ्रूट्स और कुछ ख़ास किस्म के पौधे जो हैं उनको हम ग्रोन अप कर सकते हैं। उस एक्सपेरिमेंट के तौर पे 70 एकड़ जगह पे ये कनहट्टी गार्डन बनाया गया था। 1933 में ये जो है स्टार्ट हुआ था बनना, और 1935 तीन साल लगे थे इसे, 1935 में ये कंप्लीट कर लिया गया था, लेकिन उसमें भी कोई ख़ास ड्रेनेज सिस्टम और इस तरह का नहीं था, नेचुरल यहाँ पे चश्मे और आबशारे हैं उनसे ही सराब किया गया था बाग को। और जब ये बन रहा था तो उस टाइम जो है इसके पौधे प्लांट्स जो हैं यहाँ पर लगाने के लिए कुछ जो है पेशावर से, कोयटा से, और कुछ आउट ऑफ कंट्री से मंगवाए गए थे। ये रोड वगैरह तो उस टाइम नहीं थी, तो इसको लेके आने का तरीका ये था कि ट्रेन से प्लांट्स जो हैं वो स्टेशन पे आते थे, और स्टेशन से फिर घोड़ों पे, ऊँटों पे रख के यहाँ लेके आए जाते थे। तो
फिर ये ब्रिटिश का जिस तरह से रिकॉर्ड है कि वो कुछ भी अगर बनाते थे, माहौल दोस्त, इंसान दोस्त, कुछ भी वो बनाते थे तो वो गिफ्ट कर जाते थे, वो ना तो उसे ख़त्म करके जाते थे और ना ही साथ ले के जाते थे। तो वो यहीं पे इसको छोड़ गए। 1933 में ये बन गया था। तो अब आप ये देख लें कि 2023 से 100 साल होने वाले, 90 साल हो चुके हैं इसको। फिर उसके बाद ये कई हाथों में आया, हमारी गवर्नमेंट के हाथों आया, ये ठेके पे देने की कोशिश की गई, लीज पे, कि कोई संभाल ले, ठीक है। उसके बाद करते कराते ये 2015 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में इसको एक टूरिज्म प्लेस डिक्लेयर किया गया था और टूरिज्म डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया गया था। तो तब से टूरिज्म के पास है ये। अभी इसमें मज़ीद भी कंस्ट्रक्शन चल रही है। यहाँ पे बहुत ही स्पेशल किस्म के जो दो बहुत रेयर इकसाम हैं माल्टे की, वो यहाँ पे ग्रोन अप करवाई थी वेटबर्न ने। वो पूरी दुनिया में नहीं पाई जाती थी, वो सिर्फ इधर कैनहट्टी गार्डन में होती थी। तो अभी भी कुछ पौधे उसके कहा जाता है कि पीछे हैं बाकियात उसकी, लेकिन फ्रूट इसमें फिर बाकी बहुत सी इकसाम का फ्रूट है, बहुत सी इकसाम के परिंदे हैं इसमें। वो मैं आपको साथ साथ डिटेल इंशाल्लाह पहुंच के भी वहाँ से गाइड से पूछ के भी बताऊंगा कुछ, और कुछ जो है जितना मेरे इलम में है, मैंने रीड किया है, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह क्लियर करूंगा। तो यहाँ पे मुशर्रफ साहब ने बनवाए थे 250 घर तकरीबन, और टूरिज़म डिपार्टमेंट के हवाले किया, TDCP रिज़ोर्ट बनवाया, ड्रेनेज सिस्टम इसका बेटर किया, क्योंकि बारिशें होती थी, ड्रेनेज सिस्टम नहीं था तो बहुत सारे पौधे ख़राब हो जाते थे पानी ना निकलने की वजह से। तो मुशर्रफ साहब ने इसका ड्रेनेज सिस्टम बनाया, हाइड्रो प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाया, जिसका हाइड्रो प्रोजेक्ट है, वो मिनी हाइड्रो प्रोजेक्ट कहा जाता है उसको, और वो जस्ट कैनहट्टी गार्डन के लिए ही बिजली पैदा करता है। वो जो 250 घर हैं और जो कैनहट्टी गार्डन को जो है बिजली चाहिए, सिर्फ उतनी ही बिजली बनाता है। डोंट नो अब वो चल रहा है या नहीं, लेकिन काफ़ी अरसे तक वो चलता रहा है। डिस्ट्रिक्ट सरगोधा में था पहले ये, तो बाद में इसको चेंज किया गया, डिस्ट्रिक्ट खुशाब में लेके आए इसको। तो वो ऑनवर्ड अभी भी डिस्ट्रिक्ट खुशाब में ही है ये। तो बहुत ही खूबसूरत जगह है, आपको मैंने पीछे भी बताया कि 70 एकड़ रकबा है, जिसमें 3 अतराफ़ इसकी गार्डन है, 1 अतराफ़ पे पहाड़ है। उसी पहाड़ में आबशारे हैं, चश्मे हैं, और शफाफ पानी के चश्मे हैं, मछलियाँ हैं यहाँ पे काफ़ी इकसाम की जो नज़र आती हैं आपको नहरों में, वो मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा सब वहाँ पहुँच के। तो ये मैंने कहा थोड़ी सी रफली डिटेल मैं आपको बता दूँ। अच्छा, यहाँ पे हर्ब्स भी बहुत हैं जो ख़ुद से लगाए गए हैं, जो इंजीनियर मेजर, ब्रिटिश इंजीनियर मेजर वेटबर्न ने लगाए थे हर्ब्स भी। उन्होंने एक्सपेरिमेंट पे ये किया था, एक उनको लगा था कि यहाँ पे वो चीज़ें बनाई जा सकती हैं, इस ज़मीन पे काश्त की जा सकती हैं, और वो ग्रो भी करेंगे जो बाकी आम ज़मीन में नहीं होती। पहले उससे पहले काफ़ी ख़राब भी किया गया इसको, काफ़ी पौधे ऐसे थे जो बहुत नायाब थे, लेकिन वो ज़ाया कर दिए गए, केयर नहीं हो सकी इसकी प्रॉपर। लेकिन टूरिज़म प्लेस डिक्लेयर होने के बाद से अब जो है ये काफ़ी काम हो रहा है, अब तो आगे पोर्ट्स और कैंपिंग साइट वगैरह भी बनाई जा रही है। ट्राई करेंगे हम कि वहाँ तक भी जा सकें, आपको वो भी दिखा सकें। तो वो भी बड़ी पिक्चर्स देखी है मैंने, खूबसूरत बना रहे हैं, जिस तरह शरान फॉरेस्ट में है, ग्लैम्प्स कहा जाता है, पोर्ट्स कहा जाता है, वो भी बनाए जा रहे हैं यहाँ पे। ये देखें, ये सारी कंस्ट्रक्शन वो है जो की गई थी इसको आबाद करने के लिए, ताकि टूरिस्ट आए, वरना ये बहुत बड़ा पैच था और बहुत सुनसान था, कंप्लीट साइडों पे जंगल टाइप था। तो ये फिर आबाद करने के लिए यहाँ पे गांव बनाए गए, घर बनाए गए, ताकि टूरिज़्म जो है ना वो स्टार्ट हो सके। अब यहाँ पे ये है कि फॉरनर तो बहुत कम आते हैं, क्योंकि ये एक्सप्लोर नहीं है जगह मोस्टली, तो हमारे लोकल्स को भी नहीं पता, पाकिस्तानियों को, क्या लोकल्स पाकिस्तानी आई मीन, इनको भी नहीं पता कि ये जगह है यहाँ पे, मतलब करीब तरीन रावलपिंडी इस्लामाबाद के। तो फॉरनर्स
कम आते हैं बहुत, लेकिन यहाँ पे स्कूल कॉलेज के ट्रिप्स नियर बाय से और यही पिंडी इस्लामाबाद से, लाइक हम आए हैं आज, हम 20 लड़के आ गए हैं, तो इस तरह से जो है ना टोटल इसका एनुअल जो टूरिस्ट है वो यहाँ पे 10,000 से 1,00,000 तक टूरिस्ट आता है। मैक्सिमम नंबर इसमें ये होता है 10,000 से 1,00,000 तक का मतलब होता है कि मिनिमम जो आए हैं वो 10,000 और मैक्सिमम 1,00,000 तक भी टूरिस्ट आए हैं। ऐसा नहीं है कि हर साल ही ऐसा होता है, लाइक रिकॉर्ड में है ये। तो बहुत कम लोग आते हैं। 4 किलोमीटर है जी ये बोर्ड लगे हुए हैं रास्ते में, ये बोर्डों की हालत से पता चल रहा होगा कितनी केयर टेक हो रही है गार्डन की। ये वो पहाड़ है जी, ठीक है, गार्डन की एक साइड जो मैंने आपको बताया पहाड़ है और 3 साइडें गार्डन है वो ये है। यहाँ पे परिंदों के लिए भी परिंदे भी छोड़े गए थे, बहुत ख़ास नस्लों के परिंदे छोड़े गए थे ला के। तोता सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तोते की सब जो है ना काफ़ी ज़्यादा नस्लें यहाँ पे पाई जाती हैं, मतलब यहाँ पे जो बर्ड्स हैं उनमें तोता पैरट सबसे ज़्यादा मकदार में है। मीठे पानी के चश्मे हैं जी, वैसे ये आलमोस्ट नियर बाय है साल्ट रेंज के, तो यहाँ पे मीठा पानी मिलना आपको पॉसिबल नहीं होता। अभी पीछे हम होटल में रुके हैं तो उसने हमें पानी दिया है जग में, वो हमने पिया है, तो हमसे नहीं पिया गया, वो लोकल्स हैं वो पी लेते हैं, हमसे नहीं पिया गया, हमने मिनरल वाटर मंगवाया है, वो इतना नमकीन पानी था। तो अब उससे और आगे करीब हम आ गए हैं साल्ट रेंज के, तो फिर यहाँ पे आके मीठा पानी मिलना आपको। अच्छा, यहाँ के पानी की भी टाइमिंग है कि सुबह 6 से शाम 6 तक जो है चश्मों का और आबशारों का पानी जो है सारा वो मिलेगा गार्डन को, ठीक है, वो गार्डन में जाएगा सारा। और शाम 6 से सुबह 6 तक जो यहाँ पे घर हैं जिनका मैंने ज़िक्र किया है पीछे भी, वो उनको जो है ना ट्रांसफ़र किया जाएगा गार्डन से बंद करके। तो ये जो सिस्टम बना है पानी का कि इधर से बंद करो इधर से गार्डन के लिए खोलो, ड्रेन सिस्टम जो बनाया गया, ये सारा जो है काम मुशर्रफ दौर में हुआ था, उससे पहले कोई काम नहीं था। हाँ, उससे पहले हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ये ट्राइयों में लगे हुए थे कि कोई प्राइवेट ठेकेदार हमसे इसे ठेके पे ले ले, इसका जितना फ्रूट है बेचता रहे और हमें सालाना या साल में 2 बार पैसे हमें ठेका दे दिया करे। तो खैर ऐसा नहीं हो सका। उसके बाद फिर मुशर्रफ दौर में मुशर्रफ साहब ने इसको डिक्लेयर कर दिया था कि ये टूरिज्म प्लेस है, तो टूरिज्म प्लेस डिक्लेयर हुई है तो ज़ाहिर बात है टूरिज्म डिपार्टमेंट की ज़िम्मेदारी है कि वो इसकी केयर टेक करें। तब फिर काफ़ी काम हुए, केयर टेक हुई थोड़ी, अब थोड़ी शक्ल इसकी चेंज है, लेकिन अब फिर इस पर काम शुरू हुआ है। रोड इसकी ठीक है, लाइक अगर इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा टूरिज़्म इस साइड पर आता है बसें वगैरह तो फिर शायद ज़रूरत पड़े रोड बड़ा करने की या मज़ीद बनाने की। वैसे अभी तक तो गाड़ी बाइक के लिए रोड ठीक है, कार के लिए भी इवन। ये बड़ी जो है ना इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे आपको हर्ब्स बहुत मिलते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। लास्ट टाइम मैं आया था मैं लेके गया था, मैं उस टाइम व्लॉगिंग नहीं स्टार्ट की थी, तो पहले मैं खुद आऊँ ना वो लेना चाह रहा था कि मैं एक दफ़ा आऊँ ना वो लूँ तो फिर टाइम प्रॉपर मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करूँ। तो मैं यहाँ पर आया था, नाइट स्टे नहीं था किया उस टाइम, हमने नाइट स्टे किया था खबेकी लेक, तो खबेकी लेक पे भी PTDC का रिज़ॉर्ट था, वहाँ पे हम रुके थे और अगले दिन सुबह वापसी भी हम यहाँ से होके गए थे। इसके पीछे दरिया भी बहता है एक, मोस्टली सूखा रहता है, बहुत कम पानी होता है। और इसके अंदर ये जो है कनहट्टी का जो सिस्टम चल रहा है वो इसके अपने पानी पे ही चल रहा है, नेचुरल जो है इसका चश्मे, और ये पूरा साल चलते हैं ये चश्मे जो कनहट्टी के हैं अबशारे चश्मे, ये पूरा साल चलते हैं। रोड बहुत मज़े का है, आपको नज़र आ रहा होगा जो है ना काफ़ी खूबसूरत ड्राइव है यहाँ की, ये देख रहे हैं आप कर्व्स और पहाड़, आप पहले पहाड़ों से ऊपर थे अब आप पहाड़ों के नीचे आ गए हैं। ये बड़ा वेदर भी बहुत मज़े का है, लाइक गर्म वेदर नहीं है, ठंडी हवा लग रही है, लुक आ रही होगी पहाड़ों की जैसे ड्राई पहाड़ हैं गर्म पहाड़ हैं, ऐसा नहीं है। बाहर ऊपर हम थे तो गर्मी थी, अब नीचे उतरे हैं तो मौसम बड़ा चेंज हुआ है, बड़ा मज़े का वेदर हो गया। एंट्रेंस बहुत खूबसूरत है गार्डन की, और यहाँ पे घास जो है ना ग्रास वो भी
काफ़ी किस्म का ग्रास है यहाँ पे, मतलब वो इस तरह नहीं है जिस तरह हमारे होता है, घास है तो घास है, घास भी काफ़ी इकसाम का है। और ये खुद लगाया गया है, खुद बनाया गया है, नेचुरल नहीं है, ठीक है। ये मेहनत हुई थी, लगाया था, बनाया था, उसके बाद फिर ये अल्लाह के रहमो करम पे छोड़ा गया, फिर थोड़ा ध्यान दिया गया इस पर अगेन, अब फिर जो है ना इस पर बीच में फिर पैच आया कि ये बिल्कुल इसको जो है ना छोड़ दिया गया, अब फिर जो है इस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जा रहा है। वहाँ गार्ड होता है इनका, उसी ने हमें सुबह घुमाना है, उसे मैं कहूँगा कि ले कर चले हमें, क्योंकि मैंने बताया 70 एकड़ रकबा है, तो हम इस तरह नहीं उसको एक्सप्लोर कर सकते, और पैदल है सारा। कुछ जगह हैं जहाँ बाइक पे जाएंगे हम, लेकिन बाकी मोस्टली जो है वो पैदल है। तो जैतून भी है यहाँ पे, वो फ्रूट तो काफ़ी है ना, मैं वो आपको बताया था कि माल्टों की दो रेयर इकसाम थी जो पूरी दुनिया में नहीं थी, वो इसमें बनी थी। हम स्प्रिंग में इसलिए नहीं आए कि हमारे, आपको पता है उन दिनों हमारा कश्मीर और नॉर्दर्न चल रहा होता है, क्योंकि हमें फिर बाद में कश्मीर और नॉर्दर्न का टाइम नहीं मिलता, बंद हो जाते हैं रास्ते, सॉरी, तो रास्ते बंद हो जाते हैं तो हमें टाइम नहीं मिलता, इसलिए हम उस टाइम ये देखें जी इसकी एंट्रेंस, ये इधर पार्किंग भी इसको कह लें, वॉकिंग ट्रैक भी बना हुआ है, बेंच लगा हुआ है, ठीक है। वेलकम टू कनाटी गार्डन, ये पानी देख रहे हैं आप, ये नेचुरल है, ठीक है। अब ये देखें, ये एंट्रेंस है कनाटी गार्डन की, ये TDCP कनाटी गार्डन, ठीक है, ये इनका ऑफिस है, आगे इनका हमने ये रिजॉर्ट बुक किया है आज, ये इनका ऑफिस है, ये देख रहे हैं सारा कनाटी गार्डन का एरिया है। ये नाले सूखे हुए हैं ना, जो इनमें पानी बह रहा होता है, लास्ट टाइम हमारे पानी गार्डन को लग रहा था, ये सारा जो ड्रेन सिस्टम था ना, ये बनाया गया था, पहले ये नहीं था, तो पहले जब ये नहीं था उस टाइम जो है ना, इसकी वजह से काफ़ी प्लांट्स ख़राब भी होते थे। देख रहे हैं ब्यूटी, यहाँ पे आप कुछ भी नहीं करेंगे ना, सिर्फ आप वॉक करेंगे। ये देखें, ये लोग आए, उन कोस्टर्स आई हुई हैं, हमारा रिजॉर्ट बुक है, ये मस्जिद है इस साइड पे, सिटिंग एरिया, शाम को निकलेंगे अभी थोड़ा सा फ्रेश होके। ये देखें, ये बेच रहा चीज़ें, इससे भी मैं मिलवाता हूँ। ये इमरान है जी, ये है जी, ये कैंपिंग भी करवाते हैं यहाँ पे, कैंपिंग करना चाहें आप तो ये TDCP है। ये मैं आपको डिटेल में अब दिखाता हूँ, उतर के फ्रेश हो लूँ मैं सारा, ठीक है, फिर मैं आपको मज़ीद डिटेल भी बताता हूँ इसकी। ये देखें जी फिशेस, ये ब्रिज है, ये आगे गार्डन है, ये पीछे रूम है हमारे, यहाँ सिटिंग की जगह भी बनी हुई है। ये फिशेस नज़र आ रही होंगी आपको पानी में, मैं अंडर वाटर भी करता हूँ इसकी वीडियो, कैप्चर करता हूँ मैं, खाना इनका ले आऊँ, फिर आपको अंडर वाटर की वीडियो बना के वो भी पीस दिखाता हूँ। ये इस साइड पे आप छा रहे हैं, ये चश्मों का पानी है, इस साइड पे आप शारे भी हैं, एक का रास्ता बंद किया हुआ है इन्होंने, लेकिन हमें हमारे लिए कह रहे हैं ओपन करवाएंगे, तो वो ओपन होता है तो फिर उधर भी जाते हैं। ये देखें, ये इसमें फिश है, और ये छोटी फिश नहीं है, ये नस्ली वो है फिश की, जो होती इतनी है और ये 1 पीस खाई जाती है, ये वो नस्ल है। फिशिंग भी अलाव है, लेकिन हम इक्विपमेंट नहीं लेके आए फिशिंग वाला कोई भी। ये इधर बाग है, ये सारा जो है ना इधर फ्रूट लगा हुआ है अंदर, ये देखें इस तरह से रास्ते बने हुए हैं बाग के अंदर अंदर, इन पे डिटेल्स लिखी हुई हैं। ये देखें, ये कंप्लीट डिटेल है, ये वीडियो पॉज करके रीड कर लीजिएगा। ये देखें इनका भी, और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये प्लांटेशन जो हुई हुई है ये 1933 की हुई हुई है, ये प्लांट्स मंगवाए गए थे, लगाए गए थे, इसकी सरफेस कुछ इस तरह की थी कि यहाँ पे कुछ स्पेशल प्लांट्स लग सकते थे तो वो लगाए गए थे। ये सारा
खुद ही बनाया गया है। इधर देखते हैं इधर क्या आगे। हम अभी खाने का वेट कर रहे हैं, तो खाना आ जाता है तो फिर हमने जो है खाना खा के निकलना है। देखें अगर रात ना हुई तो फिर आज ही निकलेंगे, वरना अर्ली मॉर्निंग में निकलूँगा वीडियो के लिए। रूम से रूम्स भी दिखाता हूँ, अभी बॉयज़ फ्रेश हो रहे हैं। ये देखें पानी पे फुल एक्सेस है आपको, देख रहे हैं। चेक करते हैं पानी ठंडा है गर्म है। ये ठंडा है पानी। फिशेज अब पता नहीं कैमरा आपको दिखा रहा है या नहीं, मैं अंडर वाटर बनाऊंगा वीडियो, उसमें कंप्लीट दिखाऊंगा फिशेज भी इंशाल्लाह। ये देखें पैरट, मैंने आपको कहा था यहाँ पे पैरट की काफ़ी काम है। ये भी पैरट उल्टी के बैठा है, बड़ी पूछल वाला है। बारबेक्यू का भी हमारा प्रोग्राम बन रहा है, बारबेक्यू भी करवाएंगे करेंगे। इधर सिटिंग एरिया है, ये बनाया हुआ बड़ा खूबसूरत सा मस्जिद है। बच्चों के कुछ झूले हैं, स्लाइड्स वगैरह। फैमिली के लिए तो बहुत अच्छी जगह है। जी ये भाई कुछ सेल कर रहे हैं। जी क्या सेल कर रहे हैं जी? ये कावा है, जैतून का। जैतून का? जी जी दिखाएं जरा, ये ओरिजिनल है? जी ओरिजिनल है। कहाँ का है ये, इधर का है या किस बाहर का? इधर का ही है। अच्छा ये देखें जी, इधर का कावा है जैतून का। क्या प्राइस है जी इसकी? ये 300। कितने का? 300 रुपये। 300 का। और ये शहद है? ये शहद है। ये भी इधर से ही है? जी जी यहाँ। अच्छा और क्या है ये आगे? ये शहतूत का है जी। ये शहतूत का क्या है? जी जी जैम है ये शहद। इसकी क्या प्राइस है? ये 400 रुपये। 400 का। जी जी और ये तो जैतून लग रहा है जी। ये जैतून का अचार है। जैतून का अचार, इसकी क्या प्राइस है जी? ये 300 रुपये। अच्छा और ये अंजीर है, जैम है, इसकी क्या प्राइस है? 300। आप इधर होते हैं जी? तो बताएं कुछ इधर, ये वाटरफॉल का क्यों बंद किया हुआ है जी रास्ता सारा आगे? ये रास्ता तो इसलिए बंद किया है, या जो वाटरफॉल पे डेथ हुई थी ना। अच्छा इसलिए डीसी साहब ने ये बंद कर दिया। क्या कोई लड़का नहा रहे थे जी? जी तो मारे डूब गए थे जी? गहरी है वाटरफॉल? बहुत गहरी है। अच्छा ये जी फ्रूट खाया जा रहा है जील भाई, चोरी का माल्टा है सर। अलाव है, हमने सुना था फ्रूट अलाव है खाना, जितना मर्जी खाएं। सर ये प्राइवेट ठेका होया हुंदा, ये ठेकेदार दा फ्रूट हुंदा, साडे को तो रेस्ट होदा तनु बिठा। अच्छा लंबे बाल हुआ है। हां ये प्राइवेट ठेका है, आपको लंबे बाल। बताएं जी खा के कैसा है? खट्टा है जी, उसका गुनाह तो इन पे ही जाएगा। ठीक है जो हमने कहा, ये कौन जी, ये गाड़ियां अंदर सरकारी खड़ी हुई है, ये किनकी, आप लोगों की है? नहीं नहीं सर ये डीपीओ साहब आए हैं। डीपीओ साहब आए हैं, खैर वो फैमिली के साथ घूमने या इंस्पेक्शन करने? ये नहीं हम पता। अच्छा जी कोई डीपीओ साहब आए हुए हैं यहाँ पे फैमिली के साथ अपनी। ये देखेंगे वॉक एरिया सारा कंप्लीट नज़र आ रहा होगा आपको, जहाँ से मैं अभी बाइक पे आया था। और कंप्लीट आपको यहाँ पे धूप बहुत कम जगह है जहाँ पे मिलती है। फ्रूट लगा हुआ है इधर ऊपर नहीं गया यार, ऊपर हमारे साथ ना। अब खाना खा लेना तो एक बंदा आए हमें घुमाए सारा, उसे हम जो है ना खुश कर देंगे थोड़ा सा। हम सारे निकलते हैं, सबको इकट्ठा ना एक दफ़ा घुमा दें। तो ये अभी बात हुई है जी इनसे, अभी ये घूमते हैं इनके साथ ही जाके ना, क्योंकि मैंने आपको दिखाया है उधर बहुत भूल भुलैया हैं। वो गाइड होगा साथ तो बड़ा प्रॉपर जो है ना काम हो जाएगा। तो बाकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी लेते रहेंगे साथ साथ इनसे, हमें जितनी थी हमने दे दी है, बाकी साथ साथ बताते रहेंगे इनसे, पूछ के भी कुछ और भी है हमारे जो है ना जेन में भी, वो भी आपसे शेयर करेंगे। तो खाने का वेट कर रहे हैं, भूख काफ़ी लगी हुई है, खाना खा के फिर इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे। ये देखें जी ये जो मैंने आपको बताया था कि मुशर्रफ दौर में यहाँ पे 250-250 घर बनवाए गए थे जगह को आबाद करने के लिए, और 2015 में जो है ना टूरिज़म प्लेस इसको डिक्लेयर किया गया था मुशर्रफ के दौर में ही उन्होंने किया था। उसके बाद टूरिज़म डिपार्टमेंट ने जो है ना इस पर ख़ास
गौर किया था तो उनके पास ऑफिशियली ये आ गई थी। अभी हमने हमें बताया इन्होंने कि फ्रूट नहीं अलाओ, फ्रूट जो है वो ठेकेदार का है। मतलब वही है कि वो जो पहले जिस तरह था कि लीज़ करना चाह रही थी गवर्नमेंट हमारी इस जो है ना बाग को, तो वो हो चुका है शायद। ये लीज ही होती है कि ठेकेदार फ्रूट सारा लेगा और गवर्नमेंट को पैसे दे दिया करेगा सालाना या ट्वाइस ईयर। हम वाटरफॉल की तरफ जा रहे हैं, हम यहाँ से कह रहे थे 2 किलोमीटर का है जो है ना पैदल ट्रैक, तो वहाँ पहुँच के मैं दिखाता हूँ। शायद आधा कर रहे हैं हम, आधा रह गया, बाकी फिर बाग शाग भी देखते हैं तो उसमें भी कुछ खाने लायक है, क्योंकि वो कह रहा है अभी फ्रूट जो है ना तैयार हो रहा है, गर्मी का ख़त्म हो गया, सर्दी का भी जो है ना वो बन रहा है, तैयार हो रहा है। तो माल्टे वगैरह तो थे वहाँ पे, मौसमी थे। शर्जील भाई क्या था, मौसमी था, मौसमी और केले लगे हैं, केले और मौसमी, लेकिन वो कच्चे ही हैं। शर्जील भाई ने टेस्ट किया, अंजीर वगैरह लगी है, तो वो भी देखते हैं। पहले ये वाटरफॉल्स देखा है जो बंद की हुई है जी, ख़तरनाक वाटरफॉल, पीछे बोर्ड भी लगाया हुआ था इन्होंने कि इंतहाई ख़तरनाक है, नहाने की कोशिश ना करें। तो ये एक दफ़ा हम देखें, देखें बहुत बड़ा एरिया है ये, तो अंदर ही घर बने हुए हैं, अंदर ही पूरा पूरा गांव बना हुआ है, काफ़ी जो है ना 70 एकड़ वैसे इसका ऑफिशियली कहा जाता है कि 70 एकड़ पर है ये। ये देख रहे हैं आप पहाड़ की साइड, 3 हिस्से जो है ना गार्डन है और एक हिस्सा जो है वो पहाड़ है सारा। ये देखें जी, ये प्राइमरी स्कूल है यहाँ पे अंदर। ये कपड़े धुल रहे हैं, जैसे आप समझते हैं ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, ये ख़त्म नहीं हुई है, देख रहे हैं ये सारी चीज़ें वहीं हैं। ये है जी प्राइमरी स्कूल है यहाँ पे अंदर ही, तो बड़ा ज़बरदस्त जो है ना एक्सपीरियंस है अलग सा। ये देखें ये बाग के अंदर फ्रूट केला लगा हुआ है, ये देखें ये केला लगा हुआ है, इसी तरह सीजनल बंद है फ्रूट्स। साफ पानी ये यूज़ करते हैं लोग, इसलिए हम भी अवॉइड कर रहे हैं कि बीच में हाथ पाँव ना ही मारे। पैदल ट्रैक है जी यहाँ पे, अगर आना है आपने तो जॉगर्स पहन के आए, मेरी तरह स्लीपर पहन के ना आइएगा, जोगर्स वाला ट्रैक है। और रास्ता बंद था वरना शायद हम बाइक से ले आते, तो देखते हैं, मेरे ख्याल में अब थोड़ा ही रह गया होगा, बाढ़ शाड़ आ गई आगे। ये देखें ये इस तरह का ट्रैक है, ओए होए रत्ती गली ट्रैक पैदल किया हुआ है, वेरी नाइस। आप मतलब हाइकिंग शाइकिंग कर लेते हैं, हम तो सही चीज़ें पोचो हम तो अवॉइड करते हैं सर। ये देखें इस तरह का ट्रैक है, ओहो पत्थरों के बीच में से गुजर के जाना पड़ रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है। ओए होए यार किधर जा रहे हो, तो ये मैंने जोगर नहीं पहने हुए, सजील भाई आपको तो मुश्किल हो रही होगी, काफ़ी सख्त ट्रैक है ना। ओ ये वाटरफॉल है, तो बिल्कुल जंगल के अंदर आ गए। ये देखें जी फिशेस, आपको अंडर वाटर वीडियो भी मैं एडिट करता हूँ, इसमें बनाई है मैंने बड़ी अच्छी सी। ये वाटरफॉल है जी, अभी ना जाना कह रहे हैं, ना गिरेंगे। यहाँ पे बॉयज़ की डेथ हुई है, वैसे ये इतना गहरा तो नहीं है, डेथ कैसे हो गई है, स्लिप हो के गिरे हैं। अच्छा अच्छा, तो देखें जी आगे ये पानी जा रहा है जी, बड़ी खूबसूरत ठंडी जगह है जी।
ਹੈ।